आज हम यहाँ इकट्ठा क्यों हुए हैं ये सबको पता है। ये हमारे स्वाभिमान का सवाल है, हमारी आन बान शान का सवाल है। ये आंदोलन ऐसे ही शुरू नहीं हुआ, आज जो आप देख रहे हो ये तीसरा आंदोलन है हमारा, जिसको अभी महाराष्ट्र भाषा में बोला जा रहा तीसरा टप्पा। पहला, दूसरा, ये तीसरा। धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जुड़ रहे हैं। अभी अभी दिल्ली से मैं आपकी बात करूं, हम पिछले एक हफ्ते से लगे हुए हैं, रात दिन लगे हुए हैं। इसमें से अभी संता सैनिक दल, जो दिल्ली में पिछले आप 35-40 साल से देखते आ रहे हो, वो भी हमारे साथ खड़े हो गए, क्योंकि उनका भी स्वाभिमान का सवाल है, क्योंकि वो भी बाबा साहब की बात करते हैं, जय भीम की बात करते हैं, नमोबुद्धाय की बात करते हैं, तो ये आपके मान और सम्मान की बात है। एक बात है, भारत में रह रहे हो तो आपका रिलीजियस सबसे बड़ा मेन होता है, और आप ही के रिलीजियस को दूसरे धर्म में जोड़ दिया जाता है, आप उसे गुलाम बन जाते हो। आखिर कब तक चलेगा? देश आजाद हो चुका है, आजाद हो चुका भाइयों, गुलामी के नीचे तोड़ो अपनी, अपना रिलीज पहचानो, अपने संस्कार पहचानो। आपके संस्कार की वजह से ही आपका ये सारा जो दूसरे के उसमें चले जाते हैं, आपको अपनी पावर दूसरे के झोली में चली जाती है, उसको पहचानो। तो अपनी संख्या को बढ़ाओ। आज ये आंदोलन को एक चिंगारी नहीं, पूरी आग लगनी चाहिए, ज्वालामुखी बननी चाहिए, ये फटे और संसद तक जाए, हमारा कानून जल्द से जल्द पास होए। हमारी एक ही मांग है कि ये पर्सनल बुद्धिस्ट लो पास होना चाहिए, पास होना चाहिए, पास होना चाहिए।